हाइली भौतिक विज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। तो कल आपको डेरिवेशन किए थे नए चैप्टर में V इक्वल टू E माइनस आई आर, V टर्मिनल विभवांतर, E सेल का विद्युत वाहक बल, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आई विद्युत धारा और आर है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो आइए इसी पर हम जो है देखिए आपके सामने हम ये 2020 का पेपर है, इसी से एक सवाल ये जो किस्सा आया था, क्या कर रहा है सवाल में, किसी सेल से 0.6 एम्पियर धारा लेने पर उसका टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट तथा 0.8 एम्पियर धारा लेने पर 1.3 वोल्ट हो जाता है तो सेल के लिए गणना करें। अच्छा क्या गणना करना बेटा, करा है कि विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, उसके बाद में देखिए प्रयोग में इसमें दोनों बिल्कुल समान चल रहा है, केमिस्ट्री भी पढ़ी सेल का विद्युत वाहक बल, फिजिक्स भी पढ़ी है, लेकिन दोनों में कंफ्यूजन ना हो, दोनों चलता रहेगा, विद्युत वाहक बल समान होकर करता है। तो विद्युत वाहक बल और नंबर दो है बेटा, इसीलिए हम दोनों विषय पढ़ाते हैं क्योंकि जान रहे हैं ना केमिस्ट्री से मिला हुआ है, साड़ी है कि नारी है कि नारी की साड़ी है कि साड़ी ही नारी है कि नारी की साड़ी, पता नहीं चल रहा है, फिजिक्स है कि केमिस्ट्री, केमिस्ट्री फिजिक्स है, सब मिला जुला है ना यार। तो विद्युत वाहक बल और सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो आइए इसमें देखिए दो कंडीशन दिया है, एक बार जब 0.6 एम्पीयर धारा लिया है तो टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट होता है, लेकिन जब दोबारा पुनः 0.8 एम्पीयर धारा लिया तो टर्मिनल विभवांतर 1.3 वोल्ट मूनबा में मक्खी चला जाएगा। तो 0.8 एम्पीयर धारा लेने पर बेटा 1.3 आप लोग भी मुंह पर रखिए, 1.3 वोल्ट हो जाता है। अब देखिए यहां पर दो समीकरण बनाते हैं, तो प्रथम शर्तानुसार अच्छा शर्त क्या है, तो पहले लगाएंगे फॉर्मूला V इक्वल टू E माइनस आई आर। अच्छा पहले शर्त में टर्मिनल विभवांतर कितना हो रहा है बेटा, पहले शर्त में टर्मिनल विभवांतर कितना हो रहा है 1.6 वोल्ट हो रहा है, और है देखिए सेल का में तो हम निकालना ही है ना, अब माइनस अब शुरू शुरू में कितना धारा ले रहा है 0.6 एम्पीयर, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध पूछ ही रहा है बेटा, अब इसको लिख सकते हैं 1.6 इक्वल टू E माइनस 0.68, ये है समीकरण नंबर वन। अब देखो द्वितीय शर्त से अब पुनः सूत्र लगा बेटा, सूत्र क्या होता है V बराबर E माइनस आई आर, अरे भाई शुक्रवार वही रहेगा ना, शुक्रवार ही शुक्रवार यहाँ भी लगाए हैं प्रथम शर्त के लिए द्वितीय शर्त के लिए। अब प्रथम शर्त में इतना धारा लिया था इतना वोल्ट था, लेकिन अब दूसरे शर्त में 0.8 एम्पीयर धारा ले रहा है तो टर्मिनल विभवांतर 1.3 वोल्ट हो जाएगा, टर्मिनल विभवांतर माने V। तो आप देखिए दोबारा जो है V का मान कितना होता है बेटा 1.3 वोल्ट हो जाता है, और भाई कैपिटल ई तो पूछ ही रहा है, सेल का विद्युत वाहक बल पूछ ही रहा है, माइनस अब कितना धारा ले रहा है बेटा 0.8 एम्पीयर तो है लेगा 0.8 और आंतरिक प्रतिरोध बेटा पूछ ही रहा है। तो अब देखो तो ये हो गया तुम्हारा समीकरण नंबर दो हो गया, अब देखो अब समीकरण नंबर एक हो गया और समीकरण नंबर दो हो गया, ऐसा काम करते हैं कि समीकरण एक में से दो घटाओ, समीकरण एक में से दो घटाने पर एक क्या है बेटा, देखिए एक है 1.6 इक्वल टू ई माइनस 0.68, और दो है 1.3 इक्वल टू ई माइनस 0.88। अब इसको घटाएंगे बेटा,
जब हम घटाएंगे तो घटाने जानते हो क्या होता है बेटा, चिन्ह क्या होता है, अल्टी पल्टी रहती बदल जाती है। तो यहाँ माइनस यू माइनस लिख दिया गाड़ी बेटा प्लस हो जाए। देखा कि कटा था कुछ कटा, अब देखा ई ई कट कर एक रो छह में से एक रो तीन घटाए कितना है बेटा, जीरो दशमलव कितना आएगा, दशमलव तीन बराबर। अब देखो ये प्लस है ये क्या बेटा आपका माइनस है, तो कितना है बेटा जीरो दशमलव दो आर। अरे भाई बड़ी में छोटी घटाएंगे तो जिन्हें बड़ी फिगर खाई प्लस होगी ना, अब आर का मान निकाल लें तो आर कुछ हो जाए बेटा जीरो दशमलव तीन और बटे जीरो दशमलव दो, अर्थात आंतरिक तो आया बेटा तुम्हारा एक, अरे भाई तीन बटे दो माने आर इक्वल टू एक दशमलव पांच। अब आर का मान चाहे समीकरण एक में रखो चाहे समीकरण दो में रखो आ जाएगा बेटा। तो आर का मान बेटा आर का मान एक में रखने पर, तो समीकरण एक कहां है बेटा एक है ना, तो एक दशमलव छ इक्वल टू, अरे यार तीन नंबर सवाल हो भाई साहब, एरो छ इक्वल टू ई माइनस जीरो छ आर। अब देखिए बेटा अब क्या करते हैं, तो एक दशमलव छ बराबर ई माइनस जीरो छ और आर का मान निकाले बेटा डेढ़ निकाले हैं एक दशमलव पांच है ना, एक पांच निकाले ना अपना दिखाई दे रहा क्या, देखो अब एक दशमलव छ इक्वल टू ई माइनस बोला तो बेटा पंद्रह छत्ता नब्बे दो दशमलव का बेटा जीरो नौ। अब ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा एक दशमलव छ प्लस प्लस दशमलव नौ बेटा, तो इसको जोड़ दो बेटा तो ई बराबर हो जाएगा दो दशमलव पांच जीरो वोल्ट। अब जाकर जब दोनों हम निकालेंगे बेटा तो आपका तीन नंबर में मिलेगा। इसमें कुछ था नहीं, इसमें केवल यही था कि पहले शर्त में इतना धारा लिया विभवांतर इतना हुआ, दूसरे शर्त में इतना धारा लिया विभवांतर इतना हुआ। आइए कुछ आगे देखा जाए, चलिए डेरिवेशन करते हैं बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एकदम बिल्कुल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ पूछिए ना, तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध सेल के आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर और वाई प्रतिरोध कैपिटल आर के बीच संबंध, तो यहाँ पर हमने एक फिगर दे दिया बेटा, तो यहाँ सेल लगाए बड़ी प्लेट है छोटी प्लेट है और यहाँ जो हमने घेरा है हरे लाइन से बेटा ये आंतरिक प्रतिरोध बताता है और ये बाहर कोई बल्ब जला होगा या पंखा चल रहा होगा बेटा ये वाई प्रतिरोध है। तो आइए हमको डेरिवेशन करना है स्मॉल आर और कैपिटल आर के संबंध बहुविकल्पी के लिए इंपॉर्टेंट बेटा ये नीट में करोड़ों बार आया है। तो देखिए अभी भी हम पढ़े हैं टर्मिनल विभवांतर के सूत्र से, टर्मिनल विभवांतर के सूत्र से क्या है अभी बताए हैं, V इक्वल टू होता है E माइनस आर आई। जब हम सेल से धारा लेते हैं आप देखो बेटा इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आर आई इक्वल टू, इसको माइनस था इधर प्लस कर दिए और E माइनस V। अरे भाई अभी तो यहाँ प्लस था चुका रहता है तो इधर गया बेटा माइनस हो गया। अब हम आर को ब्रेक करते हैं तो क्योंकि हमको आंतरिक प्रतिरोध निकालना है तो हो जाएगा ई माइनस बी बटे आई नीचे आ गया बेटा है ना। आप देखो पढ़ो महिमा ओम के नियम से, अरे पूरी वैज्ञानिक आ जा रहा है बेटा ओम के नियम से, नियम से क्या है कैपिटल V इक्वल टू कैपिटल आर आई, ये बाहर की प्रतिरोध का विभवांतर है और ये बाहर का प्रतिरोध धारा है, बाहर धारा वही बहेगा चाहे अंदर से बाहर धारा वही बहता है। I बराबर हो जाएगा V बटे कैपिटल R बेटा इसमें मान रखो, तो
तो स्मॉल आर इज इक्वल टू, ये छोटा हुआ है बेटा, ई माइनस वी बटे, अब देखो आई कमान वी बटे आर, अब बड़े बड़े ऊपर हो जाएगा तो स्मॉल आर इज इक्वल टू बड़े बड़े ऊपर कैपिटल आर, इसको ऐसे करो बेटा तो ये जो वी है ये हुक नीचे रहे और हुक नीचे रहे, लघुत्तम टाइप है ना बेटा, हो जाएगा अरे मैं था भाई E अपान V माइनस V अपान V, अरे भाई R ऊपर चला गया लेकिन जो है यार ऐसे बताई तुम लोग इतना बड़े समझ लो, अच्छा देख ऐसे देख लो इधर बेटा ऐसा काम करते हैं R इक्वल टू बड़े बड़े ऊपर हो जाएगा कैपिटल R, अब एक ऐसे कर इधर कि हो जाए E माइनस V बटे V, अब तुम लोग अच्छा सुनना हो समझा ये भाई आर ऊपर चला गया नीचे ही, अब देखिए आर इक्वल टू कैपिटल आर, अब हो जाएगा ई बट इसके इसके भी नीचे होगा उसके भी नीचे होगा वी बटे वी माइनस वी बटे वी, अब देखो बेटा अब क्या हो जाएगा यहाँ वी से भी कट जाएगा वो कटा अब आया क्या बेटा लास्ट में तक, अरे यहाँ ए बट जाएगा तो आया क्या आर बराबर कैपिटल आर E अपान B, अरे यहाँ माइनस एक तो यही तो बेटा ये है स्मॉल आर क्या है सेल का आंतरिक क्रोध है, कैपिटल आर क्या है बेटा वायु क्रोध है, E क्या है सेल का विद्युत वाहक बल है, और B क्या है टर्मिनल विभवांतर, हम तो जहाँ लिखवाते हैं पढ़ाई अभी लिखवाते हैं। अब देखिए अगली है क्या बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, सेल से प्राप्त धारा और सेल के विद्युत वाहक बल के बीच संबंध कि हम सेल से कितने एम्पीयर धारा प्राप्त करते हैं उसकी भी डेरिवेशन करते हैं बेटा, वही टर्मिनल विभवांतर के सूत्र से, टर्मिनल विभवांतर के सूत्र से कुछ है नहीं यार बिल्कुल मलाई है, अब आइए मलाई क्या देखते हैं बेटा V इक्वल टू E माइनस आर आई, उनको धारा निकालना है ना तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं, इसको ऐसे करते हैं देखो ओम के नियम से पुनः वही चीज, अरे तुम लोग खिचड़ी मत देखो अलग भाई अलग बात, ओम के नियम से क्या है V इक्वल टू होता है आर आई, तो यहां देखो बेटा RI इक्वल टू E माइनस आर आई, अब देख दिमाग काम कर देता लोग के अरे भाई माइनस में प्लस का इधर आर आई प्लस अरे भाई ई आर हो आते हैं स्मॉल आर आई, अब सिमानी तो तुम्हारा नंबर बेटा क्या होता है यहाँ पर काम हो रहा है अरे कटे नहीं आई क्या हो जाएगा बेटा आई कॉमन हो जाएगा दोनों में अंदर R प्लस इसलिए करते हैं क्लास में याद करो बेटा R प्लस R इक्वल टू बेटा E, अब देखो I का मान निकालना है क्योंकि हमको धारा प्राप्त करना है तो क्या लेगा I इक्वल टू हो जाएगा बेटा E बटे कोष्ठक पर नीचे चला जाएगा R प्लस R, अब क्या अब कुछ नहीं अब तो हो गया यही तो धारा हो गया ना बेटा, अब देखिए जहां क्या है बेटा आइए हम दोनों सूत्र का जहां लिखवा देते बेटा R इक्वल टू कैपिटल R कोष्टक में E कैपिटल E बटे B माइनस 1, I इक्वल टू कैपिटल E बटे R प्लस R, स्मॉल R है आंतरिक प्रतिरोध ओम, कैपिटल R है वाय प्रतिरोध ओम, E है सेल का विद्युत वाहक बल वोल्ट में, और V क्या है टर्मिनल विभवांतर वोल्ट में, I क्या है बेटा धारा एम्पियर में। इस पर देखिए सवाल दिया है हम एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट तथा आंतरिक क्रोध 0.5 ओम इसे 9.5 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच जोड़ा जाता है तो धारा की गणना करें। अब देखो क्या क्या दिया है सेल का विद्युत वाहक बल, तो सेल का विद्युत वाहक बल माने बेटा कैपिटल ई हो जाएगा ना, कैपिटल ई दिया है, कैपिटल ई दिया है बेटा कितना 2 वोल्ट, ए रखिए तो मेरे को
तथा आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध दिया बेटा स्मॉल आर का मान दिया है कितना दिया बेटा 0.5 ओम। चलिए इसे 9.5 ओम के प्रतिरोध माने कोई प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध बाहर होगा ना, माने वाय प्रतिरोध 9.5 ओम प्रतिरोध से सीधे जोड़ दिया 9.5 ओम बेटा। तो माने कैपिटल आर का मान दिया है, कैपिटल आर का मान दिया है 9.5 ओम है ना, जोड़ा जाता है। तो धारा की गणना करें, माने धारा यार, धारा माने आई पूछ रहा है। अब तो इतना आप लोगों दिमाग काम करता है कि कौन से लगाएं बेटा, सिंपल सी बात है, आई हो, आर हो, आर हो, ए हो, लगा दो फार्मूला, ये तो लगेगा नहीं बेटी, यही लगेगा। तो फार्मूला है आई इक्वल टू ई बटे कैपिटल आर के साथ। तो अब देखो कैपिटल ई मालूम है, कैपिटल ई दिया कितना 2 है, कैपिटल आर मालूम है 9.5 है, और छुटकाऊ आर मालूम है बेटा 0.5 है। तो आई बराबर कितना बेटा 2/10 हो जाएगा। तो अब आई बराबर कितना बेटा 1/5 एम्पियर, अब भाग कर लो 7.2 आ जाएगा। अब एक सवाल यह, और ये सवाल जो है बेटा ये 2018 में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 2018 पेपर है ना, तुमको दिखा देते हैं। एक सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल फिर वही चीज आया, विद्युत वाहक बल दिया बेटा, माने विद्युत वाहक बल दिया है सेल का विद्युत वाहक बल 1/5 वोल्ट, कैपिटल ई इक्वल टू 1.5 वोल्ट। इस सेल को 10 ओम के प्रतिरोध से जुड़ा जाता है, जो प्रतिरोध होगा तो बाहर ही रहेगा ना बेटा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध अंदर रहेगा और जो प्रतिरोध है वो बाहर रहता है। तो वाय प्रतिरोध दिया बेटा कैपिटल आर बराबर दिया है 10 ओम, जोड़ने पर प्लेटों के बीच विभवांतर 1.2 वोल्ट हो जाता है। ध्यान दीजिए, जब हमने बल्ब जलाया, जब बल्ब जलाएंगे बेटा तो उससे धारा प्राप्त करेंगे, जब धारा प्राप्त करेंगे तो उसका जो जो टर्मिनल विभवांतर है कम हो जाता है। बताए तो कल कभी बताए धारा लेते समय V इज लेस देन कैपिटल E। तो अगर दो मान है, देखिए एक मान 1.5 वोल्ट है, एक मान क्या बेटा 1.2 वोल्ट है, तो दोनों मानों में जो मान ज्यादा होता है वह कैपिटल E होता है, जो मान कम होता है वह टर्मिनल विभवांतर भी होता है। तो कैपिटल बी का मान बने बेटा कैपिटल बी बराबर हो जाएगा 1.2 वोल्ट है ना। जब सवाल में 2 वोल्ट का दिया है तो जो कम रहेगा वह बी का मान, जो ज्यादा रहेगा बेटा कैपिटल ई का मान हो जाता। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर ज्ञात कर रहा है। तो आइए अब ऐसा सूत्र लगा बेटा जिसमें स्मॉल हो माने आर हो, ये सिंपल सी बात ऊपर लिखा है बेटा, है ना, पर क्या सूत्र है बेटा आर इक्वल टू कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस 1 स्मॉल आर और कैपिटल आर का मालूम है कितना 10 है बेटा। अब देखो ई का मान 1.5 है, 1.5 है, और वी का मान 1.2 है माइनस 1 आ रहा है, समझ में। अब देखो स्मॉल आर बराबर 10 और 10.2 कट जाएगा, तो काटे करने देते हो देखो 15/12 माइनस 1 अभी कटेगा। अब देखो आर बराबर 10, अब 3 का मान आता है 3 5 15, 3 4 12 माइनस 1 अब भिन्न आ गया बेटा आर बराबर 10, अब 5/4 माइनस 1 लघुत्तर ले लो बेटा, सॉरी यहाँ माइनस 1 होगा, आइए हल करते हैं, इधर कहीं ग्राफ कर लेते हैं। 5/4 माइनस 1 लघुत्तम लेंगे 4 4 1 1 5 माइनस 1 4 5 4 1/4 आएगा लघुत्तम हल करने पर। अब आर बराबर हो जाएगा 10 × 3 इसका मान निकाले बेटा 1/4, तो अब आर बराबर 10/5 10/4 अब बेटा ओम भाग कर लेना बेटा कल मिलेगा।